हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरिता विलेज फूड में। आज हम बनाने वाले हैं छोला चना चाट मसाला, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। ये हमने एक कटोरी छोला चना रात में भिगो के रख दिया था, उसके बाद इसे सुबह निकाल के 2 से 3 सीटी आने तक इसे पका लिया है। ज़्यादा नहीं पकाना है, इस तरह का पकाना है हमें ये। इसके बाद 2 बॉयल किए हुए आलू, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 2 छोटे प्याज, हरा धनिया, 1 टमाटर, थोड़ी सी हमने ली है चिप्स, ये हमने इमली भिगो के रखी है थोड़ी सी, नींबू का रस, सफ़ेद नमक, चाट मसाला 1 चम्मच, साबुत जीरा 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। गैस हमने ऑन कर दी है। गैस पे रखी है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया तेल। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। जब तक कि तेल गर्म होता है तब तक के हम प्याज, टमाटर, आलू, अदरक, हरी मिर्च इन सभी चीज़ों को बारीक बारीक काट लेंगे। बिल्कुल ही झटपट बनने वाली ये चाट है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये चाट। प्याज को इस तरह से हम बारीक बारीक काट लेंगे। अदरक को हम छील लेंगे, छीलने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आलू को भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे हम। सभी चीज़ों को काट लिया है। काटने के बाद इधर कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। तेल में डालेंगे हम अदरक, साबुत जीरा, अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। इधर ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, इधर हम मसालों को मिक्स करते हैं। हल्दी, मिर्ची, धनिया, चाट मसाला इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसका घोल बना देंगे। घोल अच्छे से बन गया है, इसे हम इस तेल में डाल देंगे और इसे हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। जब तक कि तेल ऊपर नहीं हो जाता, गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे वरना मसाले जल जाएंगे। थोड़ी देर इसे पकने देंगे हम। मसालों से तेल ऊपर आने लगा है, अब इसमें हम डालेंगे बॉईल किए हुए चने, स्वाद के अनुसार नमक, इसे 1 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर जो हमने इमली की इसे हमने अच्छे से गला दिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे हम, अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक से 1.5 मिनट हो चुका है, चलो मैं मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से बाउल में। बाउल में निकालने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे हम। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। ये हल्का सा ठंडा हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए आलू, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज, इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, थोड़ा सा हम डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा हम डालेंगे काला नमक, और इसे टॉस कर देंगे। ये देखिए झटपट से बनके तैयार है छोला चना चाट। इसे अब हम सर्व करेंगे एक प्लेट में। थोड़ी सी हम चाट डालेंगे इस पे, इस तरह से।
थोड़े से हम डालेंगे इस पे चिप्स। आप इसकी जगह पे सेव भी डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी हम और डाल देंगे चाट। अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से हम चिप्स साइड में रख देंगे इस तरह से। गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती रख देते हैं इस पे इस तरह से। ये देखिए झटपट से बनके तैयार है छोला चना चाट। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।